अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए छोटा सा रिव्यू लेकर आया हूँ सोगो जनरेटर के ऊपर, सोगो JPN 950 जनरेटर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जनरेटर का रिव्यू। ये है सोगो JPN 950 जनरेटर, जिसकी रेटेड आउटपुट है 650 वॉट्स, और अप टू 900 भी चला जाता है, बट रेटेड इज 650 वॉट्स। तो ये मैंने ऑनलाइन दराज से परचेज किया है, सोगो का ब्रांडेड जनरेटर है ये। और इसमें आज चले आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिला है। जी ये इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं 650 वॉट्स, और ये 100% कॉपर वाइंडिंग में आता है। बेस्ट थिंग इसकी सोगो कंपनी का है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट्स क्वालिटी। सोगो की क्वालिटी नॉर्मली अच्छी होती है। इसके बॉक्स के अंदर मुझे मिला है इसके साथ एक एसी प्लग, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सॉकेट में लगाने के लिए, जो कि यहाँ पे यूज होता है जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। उसके साथ ही, चूंकि ये जनरेटर 12 वोल्ट्स और 10 एम्पेयर की पावर प्रोड्यूस करता है, उसके लिए आपको ये डीसी केबल मिलेगी। इसके साथ ये आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसके कट्स इस तरह के बने हुए हैं कि नेगेटिव नेगेटिव में और पॉजिटिव पॉजिटिव में लगेगा, एंड डेफिनेटली ये रेड वाला क्लिप जो है ये पॉजिटिव है, ब्लैक वाला क्लिप नेगेटिव है। इससे आप 40 एम्पेयर तक की बैटरी को जो है वो चार्ज कर सकते हैं, 12 वोल्ट और 40 एम्पेयर तक की बैटरी को। ये इसके मैनुअल में इस तरह मेंशन्ड है। अब बात कर लेते हैं कि और इसके साथ हमें मिलता है इसका ये छोटा सा टूल सेट। इस टूल सेट के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर है, इस टूल सेट के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर होगा और एक प्लग ओपनर होगा। जी तो ये दो चीजें इसके अंदर हैं हमारे पास, एक के प्लग ओपनर है और एक स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर बेसिकली ये इसकी मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, यहाँ पे इसका एयर फिल्टर लगा हुआ होता है, आप इसको खोल के इसका एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका प्लग लगा हुआ है, प्लग निकाल के आपने इसको रेगुलरली क्लीन करना होता है और उसका जो गैप होता है वो एडजस्ट करना होता है। जनरेटर का मैं आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ। ये जनरेटर का फ्रंट है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि ये एक टू स्ट्रोक जनरेटर है। टू स्ट्रोक जनरेटर से मुराद ये होता है कि इसके, मैं मतलब टेक्निकल वर्डिंग में नहीं जा रहा, आप लोगों को समझाने के लिए आसानी की तरफ जा रहा हूँ, कि इसके अंदर ऑयल पेट्रोल के अंदर मिक्स होकर डलता है, इसमें अलग से ऑयल नहीं डलता, और जिसकी वजह से इसके अंदर गैस किट नहीं लगती। ये पेट्रोल और ऑयल के साथ ही चलता है, और इसमें सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी नहीं है। ये बेसिकली आपका इसी तरह रोप से स्टार्ट होता है ये खींच के, और ये आप देख सकते हैं ये इसका बैक है। ठीक है जी, ये इसकी जनरेटर है। जी फ्यूल टैंक इसका 4 लीटर डिस्क्राइब्ड है, बट जब मैं इसमें फ्यूल फिल करवाने गया तो इसमें ऑयल के साथ मुझे 3 लीटर फ्यूल इसके अंदर पूरा आया। ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर ये फ्यूल इस टाइम बिल्कुल फुल है, ऊपर तक आया हुआ है फ्यूल। और अभी मैंने इसको एज सच यूज़ नहीं किया है, मैंने इसके ऊपर सिर्फ छोटा मोटा लोड रन करके देखा है, और ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। चलें जी, अब मैं आप उसका रन टेस्ट कराता हूँ कि इसकी नॉइज़ कितनी है, आपको देख के चला के दिखाता हूँ, और आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से ये वर्क।